अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, XRP एकदम से पंप हुआ है और क्यों हुआ है इस वीडियो में हम बात करेंगे और मज़ीद ये पंप होने जा रहा है आने वाले चंद दिनों के अंदर और हमें इसमें कौन से ऐसे इम्पैक्ट नज़र आएंगे के पढ़ते हुए कि अब लोगों का इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा होने जा रहा है। उसकी रीज़न भी है कि केस जीतने के बाद पहली डेवलपमेंट आज नज़र आई है ग्रे स्केल की सूरत में कि उसने जो है वो ये एक न्यूज़ आई है। ये देखें, अगर आप लोग देखें तो ग्रे स्केल ने लॉन्च किया है फर्स्ट जो है ना US XRP ट्रस्ट फंड। तो ये एक XRP के ETF को लेकर जो है ना वो हो सकता है XRP का ETF भी अप्रूव हो जाए और वो अप्लाई कर दें इंस्टीट्यूशन जिन्होंने बिटकॉइन और एथेरियम का ETF अप्रूव करवाया है, ऐसे XRP का भी हो जाए। तो ऐसे में न्यूज़ चलकर आई है और उसकी वजह से एकदम से बूम आया है XRP की प्राइस के अंदर और ये इसने 58.84 हाई लगाने के बाद फौरी ये डाउन आया 56 सेंट तक और फर्दर अब क्या होगा वो हम मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो अब तक पहुंच सके। इस चैनल पर आपको क्रिप्टो न्यूज़ मिला करेंगी, डेली मिलती हैं और साथ में जो कॉइन्स हैं उनको बारे में बताया जाता है, आपके कमेंट्स भी रीड किए जाते हैं, उनके आंसर भी दिए जाते हैं। तो ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। RNBDCP को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करने के साथ साथ ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके रखिएगा। तो अगर एक मैं प्लान बनाने जा रहा हूँ, 15 तारीख को मैं अनाउंस करूँगा इंशाल्लाह। अगर आप लोगों ने उसका हिस्सा बनना हो, स्कैल्पिंग ग्रुप का 1 मंथ का प्लान और 3 मंथ का, अगर आप लोगों ने उसका हिस्सा बनना हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, हमारा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। तो अभी जब देखा जाए तो मार्केट ओवरऑल जो है ना वो मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में बताया 57,500 तक आ चुका है। BTC भी डाउन आ रहा है और एथेरियम भी आ रहा है। जो भी कॉइन्स मैंने आपको बताई हैं सब के सब फिलहाल प्रेशर में है। मैंने आपको PPI रिपोर्ट की ये वीडियो अपलोड की है, आप लोग जाकर दे सकते हैं। अगर आप लोगों की तरफ किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप लोग कम से कम RNBDCP को YouTube पर आकर सर्च करें और इसकी लेटेस्ट वीडियो आकर देखें और आपको पता चल जाएगा ताकि आपको फ़ायदा हो सके कुछ। अब ये तो चले मार्केट डाउन आ रही है, अब लेकिन बात यह है कि ये सुई कॉइन आज टॉप गेनर क्यों रहा है। यही काम ग्रे स्केल ने किया था इसके साथ जब ये इसी प्राइस पर मौजूद था 56-57 पर और एकदम से जैसे ही ग्रे स्केल ने इसको ट्रस्ट फंड वगैरह इसका जो है वो ऐड किया तो अपने यूज़र को कहा कि आप लोग इसमें बाइंग सेलिंग कर सकते हैं तो सुई कॉइन को पर लग गया। टाओ कॉइन, सुई कॉइन और मेकर कॉइन, ये तीनों कॉइन्स ऑलरेडी ग्रे स्केल ऐड कर चुका है। आज उसने रिपल के बारे में ये कहा और उसको जो है ना वो उसने लॉन्च कर दिया फर्स्ट XRP ट्रस्ट। तो ये एक सीधा जो है ना वो इंडिकेट कर रहा है कि ETF जो है ना वो हो सकता है अप्रूव हो जाए और ये अप्रूव यानी कि अप्रूवल के लिए सबमिट करते हैं एप्लीकेशंस मुख्तलिफ इदारे, ब्लैक रॉक, फेडरलिटी, ग्रे स्केल वगैरह। तो मेरे हिसाब से अगर ये इस साल होता नज़र आ रहा है, अगर ये एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो 2024 के एंड तक ही ये इसकी जो है ना ETF अप्रूव हो जाएगा XRP का। तो मेरे हिसाब से कम $5 तक XRP की प्राइस जा सकती है रिपल की। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है रिपल के XRP के केस SEC जीतने के बाद, जो कि 2020 में केस किया था XRP के खिलाफ इन्होंने SEC वालों ने, तो वो फिलहाल वो जो है ना वो ये 2024 में जीता और फिर अपील की वो भी XRP के हक में आई तो वो ये जो है ना वो डिसमिस हुआ। तो ये एक ह्यूज पंप आया है और मज़ीद जो है ना वो इसमें पंप आ सकता है और भी इदारे इसको इसकी जो है ना वो अडॉप्शन कर सकते हैं और बॉर्डर पेमेंट के लिए भी XRP को काफ़ी ज़्यादा तरजीह दी जा रही है। और उसके साथ साथ XRP कॉइन में आपको अगर मैं बताता चलूँ कि XRP बॉर्डर के साथ साथ ये और XRP अपने स्टेबल कॉइन के बारे में भी सोच रहा है कि वो इसको जो है ना वो अनाउंस करे और इसको स्टेबल कॉइन भी लेकर आए। इसके नतीजे में XRP की प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होती हमें दिखाई देगी। तो अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अगर आपको
रिपल कॉइन यानी कि XRP कॉइन आफ्टर 54 सेंट 53 सेंट पर नज़र आए तो आराम से यूटिलाइज़ किया जा सकता है, यहाँ से भी किया जा सकता है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये 57 मुझे अप लग रहा है, मैं इसलिए आपको 55, 54 या 50 पूरे पर, अगर 50 से बिलो मिले तो मैं कहता हूँ क्या कमाल है। और मैं जो है ना नहीं सोच रहा कि ये 50 सेंट से बिलो हमें नज़र आए। XRP बूम, ये पकड़ गया बूम, जिन लोगों ने एंट्री लेनी थी ले ली और जिन लोगों ने होल्ड किए हुए थे वो अब इसमें बहुत ज़्यादा गेन करेंगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ये सुई कॉइन को, तो ये इन्हीं प्राइसेस पर मौजूद था जब ग्रे स्केल ने इसको कहा कि ये हम जो है ना वो इसको ऐड कर रहे हैं, तो यकीन माने तब से इसको पर लगने शुरू हुए और ये अप जाए क्योंकि इसकी प्राइस बड़ी लो है। अब टाओ कॉइन की $290 है और मेकर की $1,700 है, तो उसमें लोग इतनी एंट्री नहीं डालते, बड़ा इन्वेस्टर ही डाल सकता है। इनकी प्राइसेस कम है इस वजह से हर छोटा बड़ा ट्रेडर भी इनमें एंट्री डालेगा, इसलिए इनमें वॉल्यूम आएगा जिसकी वजह से इनकी प्राइसेस इंक्रीज हो सकती है। मैंने एंट्रीज बता दी हैं, बाय ऑन डिप कीजिएगा और टारगेट्स मैंने आपको बता दिया है, $5 तक जा सकता है अगर ETF को लेकर बात चल पड़ी तो, नहीं तो कम से कम ये ऐसे ही जाए। 65 सेंट इसका पहला टारगेट है और दूसरा आप 85, 88 सेंट या 92 सेंट तक ये हमें एक दफ़ा मिल सकता है, लेकिन वो चंद दिनों के बाद जब FOMC की स्टेटमेंट आएगी, रिपोर्ट आएगी, डाटा आने वाला 18 को, तब ये इसमें बूम और हमें दिखाई देगा। जितनी भी मार्केट आपको डाउन मिले हमारे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी यूटिलाइज़ करने की, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दिस एजुकेशन वीडियो, मैं आपके प्रॉफिट और लॉस का कोई ज़िम्मेदार नहीं हूँ। आप लोग जाकर जो है ना अगर आपने फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल लेने हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिग्नल देखना चाहते हैं, बेस्ट वेबसाइट है forexfactorysignals.com। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाकर देखें, वो सिग्नल डेली बेसिस पर अपलोड करते हैं, स्पॉट और फ्यूचर दोनों के सिग्नल्स अवेलेबल हैं, आप लोग जैसे मर्जी चाहें उसको यूटिलाइज़ करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।